घटनाओं के एक दुखद मोड़ में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के एक कर्मचारी ने खुद को साइबर अपराधियों के जाल में फंसा पाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ। विनोबा भावे नगर के 35 वर्षीय निवासी नीलेश खापरे की शिकायत के बाद यशोधरा नगर पुलिस ने आर्यन रेड्डी, पूजा और ग्रुप एडमिन जिया शंकर के नाम के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। वर्तमान में मुंबई में रहने वाले नीलेश को 11 जनवरी को नागपुर में घोटाले का सामना करना पड़ा। उसे इंस्टाग्राम पर शेयर बाजार में निवेश पर 5 से 10% के पर्याप्त रिटर्न का वादा करने वाला एक आकर्षक विज्ञापन मिला। जिया द्वारा संचालित समूह में शामिल होने पर नीलेश को जल्द ही लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किए गए। धोखे में आकर निर्देशानुसार कुल 26 लाख रुपए निर्देशित खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। हालांकि वादा किया गया मुनाफा पूरा नहीं हो सका, जिससे नीलेश अपना शुरुआती निवेश हासिल करने में असमर्थ हो गया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को धोखाधड़ी योजना की सूचना दी। यशोधरा नगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू की है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।